एक बहुत ही ईमानदार ते सच्ची सुची शख्सियत दे मालिक सन स्वर्गीय सरदार दर्शन सिंह धालीवाल समाजिक सेवक जी। बहुत ही चंगे सहनशीलता वर्ती वाली इंसान सन, गुरु घर प्रति सच्ची श्रद्धावान सन, हर एक गरीब दिन दुखी दी मदद करना आप जी दा सुभा सी। आप जी दे कीरत ते चंगे संस्कारां दा लाया बूटा मौजूदा समय विच वी आप जी दे परिवार विच प्रफुल्लित हो रहा है। बीते दिनी सरदार दर्शन सिंह धालीवाल जी अपनी संसारिक यात्रा पूरी करदे हुए पंजा तत्तां विच लीन हो गए। इन्हां दे परिवार वल्लों इन्हां दी आत्मिक शांति लई रखे गए पाठ दे भोग 3 मई दिन एतवार गुरुद्वारा साहिब पिंड हमीरगढ़ संगरूर विखे पाए गए, जिस विच रागी सिंघा वल्लों कीर्तन दी हाजरी लगवाई अते आईयां होईयां संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे दर्शाए हुए मार्ग ते चलन दी सिख्या दित्ती। सरदार दर्शन सिंह धालीवाल जी अपने पिछे अपने परिवार विच दलजीत कौर पत्नी स्वर्गे सरदार मेजर सिंह ती, सरदार गुरचैन सिंह धालीवाल, निर्मलजीत कौर एक्स सरपंच भतीजा अते भतीज नूं, सरदार अमरीक सिंह हरजिंदर कौर भतीजा अते भतीज नूं, सरदार मलकीत सिंह परमजीत कौर भतीजा अते भतीज नूं, सरदार सिमरजीत सिंह धालीवाल हरजिंदर कौर पोता अते पोत नूं, एक्स ब्लाक समिति मैंबर मीत प्रधान पंजाब यूथ कांग्रेस, सरप्रस्त शहीद भगत सिंह स्पोर्ट्स क्लब हमीरगढ़, सरताज सिंह धालीवाल, तमन्ना धालीवाल पड़पोत्रा अते पड़पोत्री, लक्की धालीवाल, अर्शदीप सिंह धालीवाल, अर्पण धालीवाल पोत्रे अते समूह परिवार नूं सदीवी भी छोड़ा दे गए। इन्हां दे परिवार वल्लों दुख विच इकत्र हुई सारी संगत दा तह दिलों धन्नवाद कीता गया। बापू जी नूं चरण चलवास बख्शी और उस सारे परिवार नूं, बेटा सिंगर नूं, साडी बेटी नूं, बच्चियां नूं प्रभात बख्शी और होर शक्ति बख्शी ताकि होर तगड़े होकर सेवा कर सकन। सो बहुत सारे आगू जिहड़े कि पहले हाजरी ला के चले भी गए ने, सिमर ने बहुत कोशिश भी की भाई हालात खराब ने तुसी ना आओ, फिर भी अपने जिन्ना जिन्ना संदेश से हर एक बंदा कुछ आगू हाजरी ला के गए ने, कुछ बैठे ने। सो मैं कुछ का नाम मेरे को रिश्वत दिखी है, मैं उन्हों की हाजरी बुलावगा सारे परिवार वालों, भला सिंह जी कड़ैर, जगदीश गोयल जी, रिंकू वैस चेयरमैन जी, ज्ञानी रमेश पटाल जी, जगदेव पटाल जी, निरंजन निर्मल कड़ैल जी, साढ़े वैस चेयरमैन साहब ने जो पवन जी, पाल सिंह गिरला, पुष्पिंदर सिंह गुरु जी, रामपाल सिंह बैनीवाल साहब, मुंशी है सुरमीक हैलगी जी जो बीबी जी के पी ए ने, केवल सिंगला जी, पवन जी, मेजर सरपंच साहब अमीर सिंह जो साढ़े तहसीलदार साहब ने बहुत मेरी रिश्तेदारी है, सतपाला साहब से उन्हें डैथ हो गई है, वो नहीं आ सके, उन्होंने भी हाजिर पाना हाँ। और खास करके मेरे वीर टोहाना जी जो साढ़े यूथ के आगू ने कांग्रेस के जिले वालों, वो भी आए हैं, मेरे छोटे वीर जसपाल देला जी सबका चेयरमैन साहब कि जेडे भी दूरों नेड़े आए हो सारे किसी प्रशादा छक के चाह पानी छक के जरूर जाना, जिस ठाकर से ना ही चारा ता टोपी जे सदन मुस्काना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज मेरे दादा जी सरदार दर्शन सिंह धालीवाल हमीरगढ़ विखे उन्हों का भोग सी 30 तरीक नूं, वो एक समाज सेवक के नाल नाल एक पार नूं परिवार नूं पालन वाले घरेलू इंसान सन, समाज सेवा भी करते सन। उन्हां दी बदौलत साडा परिवार एक लहरा गागा हल्के विच एक राजनीतिक शिखरां ते पहुँच चुका है। जदों दादा जी ते उन्हां दे भरा कोल कबीलदारी तो साढ़े कोल सिर्फ 15 किले सन। दादा जी की मेहनत सदका साडी प्रॉपर्टी जो वध के 70-75 किलों तक पहुँच चुकी। दादा जी ने परिवार नूं अपना खेतीबाड़ी की फील्ड ही अगे लेके गए, समाज च भी अगे लेके गए, राजनीति च भी साडे परिवार का नाम अगे लिया, इन्हां ने बहुत वड्डी मिसाल कायम की। मेरे ताया जी गुरचैन सिंह 2 बार पिंड दे सरपंच रह चुके हैं, तो नाल ही वह कमेटी के सोसाइटी के प्रधान भी रह चुके हैं। मेरे फादर साहब सोसाइटी के मैंबर रह चुके हैं, मैं खुद ब्लॉक समिति मैंबर हाँ रह चुका हाँ, तो नाल पंजाब यूथ कांग्रेस का वाइस प्रेजिडेंट भी हाँ, तो उस तो इलावा अकाली दल के भी मैं सर्कल प्रधान रह चुका हाँ, मेरे माता जी भी सर्कल प्रधान रह चुके हैं। उन्होंने ये सारा एक अंत तक मेहनत का नतीजा है जिसका पिंड भी बहुत लाभ होया है,
तो कहे इंसान सन तो कदे भी लड़ना उन्होंने पसंद नहीं सी, पर एक पुराने विचारा मुताबक उन्होंने सुभा थोड़ा तर्क जरूर बोलते सन बंदे नू, पर दिल दे एक नेक इंसान सन जो कि एक उन्होंने उपराला रहिंदा सी भी हर एक की मदद की जाए। वह कदे भी किसी तरह की घाटवाद नहीं देखते सन, जिस दे जान नाल साडे परिवार नू मेरे परिवार नू एक बहुत बड़ा घाटा पिया है, ते नाल ही नाल साडे पिंड नूं साडी मेरी पार्टी कांग्रेस पार्टी नूं बहुत वड्डा घाटा पिया है। वह 1980 तो ले 80 दे विच वी बीबी जिंदर कौर पटल दे नाल सन, ते बाद च असीं होर पार्टी ज्वाइन कीती ते हुण वी असीं बीबी जी दे नाल हाँ। बीबी पटल जी दा साडे दे दादा जी करके बहुत वड्डा एक हथ है, ते उह मैनूं अपने पुत्तर समान समझदे हन। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी, ते मैं एक होर अपील करना चाहना अकाल पुरख वाहिगुरु जी अगे हाजिर नज़र पातशाह अगे दीन दुनिया के मालिक ने, जो हरेक मनुखे धरती से आंदा आए तो गलतियां भी होंदियां ने, मनुखा गलतियां होनिया सुभाविक हैं, कुछ जानते होंदिया हैं कुछ अनजाण हुए होंदिया हैं, कई गलतियां किसी को बचाने के मारे भी आप कर बैठते हाँ। सो मैं अकाल पुरख वाहिगुरु जी अगे अरदास करता हाँ कि साडे ते विछड़ी हुई रूह नूं अपने चरणों में निवास देवे, ते 84 के चक्कर के उन्हां नूं कढ़े, ते वाहिगुरू जी का साडे परिवार ते दोनों घरां ते ताया जी के परिवार से भी ते मेरे ते भी मेहर पर एक हाथ रखे, ते असीं दिन दुगनी रात चौगनी इस पवित्र आत्मा की मेहनत दे नाल वाहिगुरु जी के आशीर्वाद दे नाल अगे वधीए, चंगे नेक काम करिए, बुरे कामों तो दूर रहिए, पिंड की भलाई समाज की भलाई इसी तरह ही करते रहिए। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दास भाई जगमेल सिंह शाजला सुनाम वालिया के नाम नाल अज इत्थे पिंड हमीरगढ़ विखे सरदार दर्शन सिंह जी समाज सेवी उन्हां दी अंतम अरदास में शामिल होना आए सी। सो दास दे जत्थे वल्लों कीर्तन की हाजिरी भरी गई। दर्शन सिंह जी एक बड़े चंगे समाज सेवी सन, वो हर टाइम समाज दे विच अपना योगदान पाउंदे सी। उन्हां दे पोत्रे सरदार सिमरनजीत सिंह जी जो भी समाज सेवा दे विच लगे हुए ने, सो दास दा रागी जत्थे दे तौर ते भी ते परिवार नाल निजी भी जिहड़ा है बहुत लंबे टाइम तो प्यार सत्कार बनिया होया है। सो ये परिवार जिहड़ा है बड़ा समाज दे विच कोई भी किसी प्रकार की सेवा होवे वध चढ़ के सेवा जिहड़ा है करदे ने। इलाके विच सारे परिवार का बाबा दर्शन सिंह जी जो समाज सेवी सन उन्हां दा भाई सिमरनजीत सिंह जी का सारे परिवार का जिहड़ा इस इलाके जे विच मूनक दे लागे छागे सारे बड़ा जिहड़ा नौ बनिया होया है। सो इस करके असी अपने जथे वल्लों जिथे सारिया संगतां का धन्यवाद भी करते हैं, तो इस चैनल का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये आके कवरेज की है। सो नाल ही जिहड़ा है असी उस रंगले सज्जन बाबा दर्शन सिंह जी नूं शरदा दे फुल भेट करते हैं, ते साडी फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।